घर में जो हम पानी का मटका भरते हैं उसके ऊपर ही आपको इसे फिट कर देना है। तो इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और इसके साथ में कौन कौन सी चीजें आती है और इसे कैसे आप इस्तेमाल करोगे वो सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही में इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल पानी में और अल्कलाइन पानी में फर्क क्या है। नॉर्मल पानी हम जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फिर आरओ का हो या फिर म्यूनिसिपैलिटी का, उसमें पीएच लेवल कम होता है, जबकि अल्कलाइन पानी में नॉर्मल पानी के कंपेयर में पीएच लेवल ज्यादा होता है। आजकल आपको पता ही होगा कि ज्यादातर लोग आरओ का पानी ही पीना प्रेफर करते हैं, लेकिन आरओ के पानी में मैक्सिमम विटामिन्स और मिनरल्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये बहुत सारी परेशानियां होती है, जबकि अल्कलाइन पानी के बहुत सारे बेनिफिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्कलाइन पानी पीने के फायदे क्या है। तो सबसे पहले तो ये बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स करता है। तो आप अगर वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी मनपसंद फ्रूट या सब्जियों के साथ अगर दिन का 7 से 8 ग्लास अल्कलाइन पानी पीते हैं तो वो बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, साथ ही में इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। आजकल आपको पता ही होगा कि छोटे बड़े सभी को बाहर का खाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन बाहर का खाना खाने की वजह से शरीर में एसिडिटी होती है और उसकी वजह से बॉडी में फैट जमा होता है। अल्कलाइन पानी बॉडी को अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने फ्रूट और सब्जियों में से जितना एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट हमें ये 1.5 लीटर पानी पीने से मिल जाता है। तो ये है वो ORG का अल्कलाइन वाटर फिल्ट्रेशन। बॉक्स खोल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो एक इस तरह का चार्जिंग केबल आता है मशीन को चार्ज करने के लिए, एक पाइप आएगा और 2 छोटी बॉटलें आती है जिसमें एक पीएच टेस्टिंग के लिए और एक ORP टेस्टिंग के लिए लिक्विड होता है, जिससे आप पानी का ORP और पीएच लेवल घर पे ही टेस्ट कर सकते हो। ये है उसका मेन मशीन। ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट आपको दिख रही है उसमें इसका चार्जिंग बताएगा और ग्रीन कलर का जो बटन है वो ऑन ऑफ के लिए है। यहाँ पे आपको इसे चार्ज करने के लिए लगाना है। तो जो केबल दिया है ये वाला हिस्सा यहाँ पे आप लगाएंगे और दूसरा जो केबल है उसे जो फोन का चार्जर होता है उसमें लगा के इसे चार्जिंग करने के लिए रखेंगे और जो पाइप दिया है उसे यहाँ पे लगाना है। तो सिंपल इस तरह से इसे फिट कर देना है। तो ये मशीन का फिटिंग रेडी हो गया है, बस इतना ही आपको करना है। जब भी आपको इसका कार्ट्रिज चेंज करना हो तब क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो पहले पाइप को निकाल लेना है और ये वाला जो हिस्सा है उसे खोल देंगे। तो जो पुराना कार्ट्रिज है उसे निकाल ले और जो नया वाला होता है उसे आपको सेम इसी तरह से फिर से फिट कर देना है। कार्ट्रिज का प्राइस 500 रुपीज होता है, लेकिन मैंने जो डिटेल्स दिया है वहां से आप उसे परचेस करते हैं तो मशीन के साथ एक कार्ट्रिज भी आपको फ्री में मिल जाता है। दूसरी जो चीज इसके साथ आती है वो है मटके के ऊपर रखने के लिए इस तरह का ढक्कन, जिसमें ये मशीन फिट होता है, जो इस तरह का है। तो इसमें मशीन कैसे फिट करना है वो दिखा देती हूँ। तो सिंपल बीच में इस तरह से आपको मशीन को रख देना है और जो पानी का मटका होता है उसका ढक्कन हटा देना है और उसके ऊपर ये वाला मशीन हम रख देंगे। तो लीजिए अब ये मशीन यूज करने के लिए रेडी है। ये जो मशीन है उसकी 3000 लीटर की कैपेसिटी है और इसका प्राइस है 3990 रुपए। और यहाँ पे जो मैंने फोन नंबर दिखाया है वहां पे आप व्हाट्सअप करके या फोन करके इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये फोन नंबर की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। ये मशीन की 1 साल की वारंटी है। अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाती हूँ। तो 1 ग्लास में हम आरओ का पानी ले लेंगे। मटके में मैंने आरओ का पानी भर के रखा है, तो ये ग्लास में मैंने आरओ का पानी ले लिया है और दूसरे ग्लास में हम अल्कलाइन पानी लेंगे। तो मशीन के ऊपर जो मैंने ऑन ऑफ का स्विच बताया है आपको, उसे प्रेस करने से मशीन चालू हो जाता है। अब तीसरे ग्लास में हम सोडा वाटर ले लेंगे। तीनों का पीएच लेवल कितना है वो हम चेक करेंगे। अब जो पीएच टेस्टिंग के लिए जो बॉटल मैंने आपको दिखाई थी
उसमें से 2 से 3 ड्रॉप हम तीनों ग्लास में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही लिक्विड मैंने डाला ग्लास में पानी का कलर चेंज होने लगा है। लिक्विड डालने के बाद तीनों ग्लास को हम इस तरह से थोड़ा घुमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों पानी के ग्लास में कलर चेंज हो गया है। जो अल्कलाइन पानी है वो ब्लू कलर का बनकर तैयार हुआ है, आरओ वाला पानी ग्रीन कलर का है और जो सोडा वाटर वाला पानी है वो ऑरेंज कलर का बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर जो होता है वो खराब होता है, ग्रीन वाला जो कलर है वो नॉर्मल बनकर तैयार हुआ है और जो ब्लू कलर होता है वो अच्छा माना जाता है। मतलब इस हिसाब से जो पानी का पीएच लेवल होता है उस हिसाब से वो पानी अच्छा है या बुरा वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास पीएच लेवल चेक करने के लिए इस तरह का चार्ट नहीं है तो पीएच टेस्टिंग के लिए जो बॉटल हमने इस्तेमाल की है उसके ऊपर भी पानी का पीएच लेवल और उसका कलर दिखाया हुआ होता है। अब इसी तरह का पानी हम कई सालों से पीते आए हैं तो हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। तो एसिडिक टिश्यू को अल्कलाइन करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। तो जितना आरओ का पानी है उतनी ही क्वांटिटी में अगर हम अल्कलाइन पानी मिक्स करते हैं तो वो पानी हेल्दी यानी कि पीने लायक हो जाता है। जबकि जो सोडा वाटर है उसके 1 ग्लास पानी में आप 32 ग्लास अल्कलाइन पानी मिलाते हो तब वो पानी पीने लायक होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सोडा कितना अनहेल्दी होता है हमारे लिए। अब मैं दूसरा डेमो आपको करके दिखाती हूँ, वो है ORP टेस्टिंग। तो 1 ग्लास में अल्कलाइन पानी और 1 ग्लास में हम आरओ का पानी लेंगे। तो इस तरह से बॉटल के ऊपर पॉजिटिव ORP और नेगेटिव ORP लिखा हुआ है, वो क्या है वो देखते हैं। तो जो बॉटल है उसमें से 2 से 3 ड्रॉप लिक्विड आपको ग्लास में डालना है। इसे थोड़ा घुमा ले। तो लिक्विड डालने के बाद अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता तो उसमें पॉजिटिव ORP है और लिक्विड डालने के बाद अगर पानी का कलर इस तरह का पिंक हो जाता है तो उसमें नेगेटिव ORP है। इन शॉर्ट नेगेटिव ORP वाला पानी पीने लायक और हेल्दी होता है। ORP का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग। नॉर्मल जो पानी होता है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का होता है जबकि अल्कलाइन वाटर 7 से 8 मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है। नॉर्मल जो पानी होता है वो हमारे बॉडी में 40% कंज्यूम होता है जबकि अल्कलाइन वाटर 80 से 90% कंज्यूम हो जाता है। तो ये मैक्सिमम कंज्यूम होने की वजह से हमारे बॉडी में जो खराब टॉक्सिन होते हैं उसे ये बाहर निकालता है, साथ ही में जो एसिडिक टिश्यू होते हैं उसे अल्कलाइन करता है जिससे हमारा बॉडी हेल्दी बनता है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट में जो टेट्रापैक वाले फ्रूट जूस मिलते हैं या फिर जो हम मिनरल वाटर की बॉटल इस्तेमाल करते हैं या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों में पॉजिटिव ORP होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। साथ ही में अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, विटामिन सी का सेवन करते हैं या फिर इस तरह का अल्कलाइन वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नेगेटिव ORP होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। अब हम एक दूसरा डेमो करेंगे। तो 1 ग्लास में आरओ का पानी और 1 ग्लास में हम अल्कलाइन पानी ले लेंगे। साथ ही में हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वही लेनी है। दोनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी हल्दी हम डालेंगे और इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं अल्कलाइन पानी में जो हल्दी हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, साथ ही में इसका कलर भी चेंज हो गया है। आरओ वाले पानी में जो हल्दी हमने डाली थी वो नीचे इस तरह से बैठ गई है और उसका कलर भी आप देख सकते हैं, मतलब कि हल्दी आरओ वाले पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई जबकि अल्कलाइन पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो इसी तरह से अगर आप अल्कलाइन पानी रसोई में भी इस्तेमाल करते हो तो वो रसोई को भी ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाता है। आजकल आपको पता ही होगा कि छोटी उम्र में लोगों को ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं परेशान करती रहती है। तो इसका मेन रीजन होता है कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो अभी मैं आपको एक ऑयल का डेमो करके दिखाती हूँ। तो 1 ग्लास में मैंने आरओ का पानी लिया है और 1 ग्लास में मैंने अल्कलाइन वाटर लिया है, साथ ही में जो हम कुकिंग में ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। दोनों ग्लास में हम 1-1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो वो ले सकते हो। ऑयल को और पानी को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आरओ वाले पानी में जो तेल हमने मिक्स किया उसका ऊपर इस तरह से लेयर बन जाता है, मतलब कि ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स नहीं हुआ,
जबकि अल्कलाइन पानी में तेल ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है। तो जैसे अल्कलाइन पानी में तेल मिक्स हो गया है, वैसे ही तेल हमारी बॉडी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए उसमें से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही में अल्कलाइन पानी हमें और भी कई सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, जोड़ों का दर्द। तो इन सारी समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पानी को चेंज कीजिए। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि मार्केट में अल्कलाइन वाटर वाले आरओ भी मिलते हैं, लेकिन उसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि ये ओआरजी का अल्कलाइन वाटर फिल्ट्रेशन बहुत ही कम दाम में है, तो कोई भी इसे आसानी से खरीद सकता है। तो इसे परचेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल दिया हुआ है, तो वहां से फोन करके आप इसे मंगवा सकते हैं और मैंने जो डिटेल दिया है वहां से आप इसे परचेस करते हैं तो आपको इसके साथ इसका एक फ्री कार्ट्रिज और एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।